आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ तीन से चार अपने ऐसे कैंपेन जो भी मैं करंटली ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, उनको रन कर रहा हूँ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कैंपेन के लिए फॉर डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए। जैसे इसकी हम बात करते हैं, आप इसको देख सकते हो कि अभी तक मैं इनका लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हूँ, ये लगभग 10 मिलियंस हैं। और इनको जो पर कन्वर्जन कॉस्ट आ रही है बहुत कम है, इनके जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं बट अच्छे खासे पॉपुलर हैं और उसके लिए कैंपेन रन कराते हैं। अभी तक 20,000+ इनको कन्वर्जन मिल चुके हैं क्लिक की हम ये बात नहीं करते, क्योंकि अगर आप आरओआई देख रहे हैं तो आपको कन्वर्जन पे फोकस होना चाहिए रादर देन क्लिक्स। तो कन्वर्जन इनके बहुत अच्छे हैं। इसकी ही अगर अभी दो तीन चार मैं आपको दिखाऊंगा, फिर डिटेल वीडियो में हम दिखाएंगे कि हमने इसको कैसे ऑप्टिमाइज किया, कैसे इनकी निगेटिव कीवर्ड करें, लोकेशन को कैसे एक्सक्लूड करा, किस तरह से हमने इनकी शेड्यूलिंग की हुई है, कौन सी डिवाइस पे हम इसको टारगेट कर रहे हैं, साथ ही साथ लोकेशन क्या टारगेट कर रहे हैं, और कौन से हमने कीवर्ड्स यूज किए हैं, आइदर ब्रॉड मैच है, एग्जिट मैच है, फ्रेज मैच है, और कौन से अच्छे हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए अलोंग विद जो आपकी एज ग्रुप है और ऑडियंस टारगेटिंग है। सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ जो सेकेंड कैंपेन है, ये मेरा इंटरनेशनल क्लाइंट है, मैं इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए इनके लिए चला रहा हूँ। और अगर आप इनकी भी एवरेज कॉस्ट देखोगे या कॉस्टिंग पर अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर लगभग मैं $2 लाख इनके स्पेंड कर चुका हूँ। और जो इनको पर कन्वर्जन कॉस्ट आ रही है, ये कन्वर्जन का मतलब इनको कॉल्स के फॉर्म में इंक्वायरी हो सकती है अगर हमने वहाँ पर यूटीम सोर्स लगाया हुआ है, बुकिंग आ सकती है अगर एपीआई इंक्लूडेड है, ठीक है, और साथ ही साथ में इंक्वायरी के पेज पर अगर ले जाने तो इंक्वायरी हो सकती है। अगर हम लोग जो इसमें जाएंगे अगर वो ई कॉमर्स है तो ऐड टू कार्ट पर अगर हमने लगाया तब, या फिर एक अगर हमारी ई कॉमर्स का कोई प्रोडक्ट परचेज हो जाता है तो उसको हम कन्वर्जन बुलाते हैं। तो एक पर कन्वर्जन कॉस्ट हमारे को इंटरनेशनल की बहुत ही लेस देन है, जो अभी की सीपीसी है $6 से $7 पर क्लिक की है, जो अगर आपको 2 या 3 क्लिक्स में अगर कन्वर्जन मिल जाए तो बहुत अच्छा कैंपेन है। साथ में आप देख भी सकते हो कि जो पहले कॉस्टिंग थी ये बहुत हाई थी, और जो आपका कन्वर्जन वाला आप देख सकते हो ना, कन्वर्जन 12,000+ कन्वर्जन है। यहाँ पर अगर मैं इसको एक तरीके से कंपेयर करता हूँ तो कॉस्ट यहाँ पर बढ़ी हुई थी स्टार्टिंग में, उसके बाद आप देखो कॉस्ट कम हुई, और ये कॉस्ट कम ही होती गई, तब से कॉस्ट कम ही है, ठीक है। अगर कन्वर्जन की बात करते हैं तो आप ये ग्रीन वाली लाइन देख सकते हैं, ये बढ़ी हुई थी, फिर ये फिर गई, फिर बढ़ी हुई रही, कन्वर्जन फिर बढ़ता गया, और ये कन्वर्जन अभी भी अपर है अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट वन से। जो कोस्ट वाली लाइन है ये हमेशा परेशानी में डालने वाली होती है, कोस्ट वाली पहले कितनी बड़ी थी, अब आप देखोगे यहाँ से जब से ऑप्टिमाइज किया ये डाउन हुई और ये एंड में डाउन ही जा रही है। तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि हमने इसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया कि कोस्ट हमारी कम और जो कन्वर्जन रेशियो है वो हमारा ज़्यादा, और पर क्लिक के हिसाब से भी हमने इसको ऑप्टिमाइज कर दिया जो हमारा कम आ रहा है। उसके लिए हमको क्या क्या करने होते हैं ये कैंपेन रन करने के दौरान वो हमें देखना पड़ेगा, जैसे कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे मॉनिटर करके चलते हैं कि जो हमारा टारगेटेड लोकेशन है उसमें कितनी उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स की सर्चेज हैं, जो एड बनाए हैं उनकी रिलेवेंसी क्या है, ठीक है, उसके साथ साथ किस टाइप का ऐड हम लोगों ने बनाया, रेस्पॉन्सिव है, सर्च है, कीवर्ड इंप्लीमेंट किए हैं नहीं किए हैं, कॉल ओनली है, और साथ साथ में जो वेबसाइट है उसको हम किस तरह से ले रहे हैं, और भी अदर्स इसमें निगेटिव कीवर्ड्स डालने, निगेटिव लोकेशन डालनी, किस तरह से इसको ऑप्टिमाइज करना, वो सारा हम डिटेल्स वीडियो में सीखेंगे, लेकिन वो पूरा कोर्स में होगा। ये अभी सिर्फ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि और क्या क्या है, कुछ और भी मेरे पास ऐसे हैं जिनको मैं अभी रन कर रहा हूँ, उनको ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, आपको 4-5 दिखा रहा हूँ, ऐसे मेरे पास काफ़ी कीवर्ड्स सॉरी कैंपेन है। तो रिसेंटली ये भी एक मेरा क्लाइंट है, ये क्लाइंट भी इंटरनेशनल है, इनको तो लगभग मैंने अभी 1-2 महीने पहले इनका कैंपेन बनाया था, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, वे भी खुद के थे लेकिन ये रिसेंटली आप देख सकते हो अगस्त का है। अब इसमें आप दो चीज देखोगे, यहाँ पर अगर हमने देखा इसको जब स्टार्टिंग में रन किया हमारे पास इंप्रेशन काफ़ी थे, लेकिन साथ ही साथ में मेरी कॉस्ट भी इनक्रीज हो रही थी। अगर मेरी कॉस्ट और इंप्रेशन हो रहे हैं लेकिन मेरा जो कन्वर्जन नहीं आ रहा, तो उसको आप ये मान के चलिए कि कोई भी क्लाइंट आपसे ये पूछेगा अगर अगर आप उनको आरओआई नहीं मिल रहा। लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो हम कैसे करते हैं, अगर हमारा सीटीआर जो है अगर वो 10% से अप है तो आपका सक्सेसफुल समझिए रन कर रहे हैं। आरओआई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, जो इम्प्रेशन है उसका रेशियो किस तरह से हम लोग इसमें करेंगे,
जो कीवर्ड्स का इंटरेक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसका कन्वर्जन कितना है, ये सारी डिटेल्स एक पैरामीटर के थ्रू हम देखते हैं या एनालिसिस के थ्रू करते हैं कौन सी ऐसी लोकेशन या एज ग्रुप है जहाँ से कन्वर्जन ज़्यादा है कॉस्ट कम है, कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसपे कन्वर्जन ज़्यादा है, कौन से ऐसे कीवर्ड है, ये पूरा ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है जो धीरे धीरे हम अपने इस कोर्स के दौरान सीखेंगे। नेक्स्ट मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा टाइम तो ऐसा है नहीं, मेरे को छोटी वीडियो बनानी थी, यदि इतनी बड़ी हो गई, पर फिर भी मैं एक दो और दिखा देता हूँ। ये भी एक नए क्लाइंट है, देखो अभी तक ये नया है, मई का ही बना हुआ है, तो मई में इनको बनाया था, इन्होंने चलाया, ये कुछ खास नहीं चलाया, खुद भी डिजिटल मार्केटर है, पर उसके बाद इनसे चला ही नहीं, होल्ड पे हो गया, वेरिफिकेशन होती है, आप देखोगे यहाँ पर आप सेटिंग में जाओगे तो आपको वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन आएगा। वेरिफिकेशन के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो कैसे वेरीफाई कराओगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, अगर इंडिविजुअल है तो क्या है, और किस तरह से आप उन तीनों अटेम्प्ट को एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं, वो आप देख सकते हो, चैनल में है, नहीं होगा तो कोई मेरे से भी हेल्प ले सकता है, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद अब हमने इसको ऑप्टिमाइज करा है, ये चलना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे इसको भी ऑप्टिमाइज करें जैसे हैं। तो बेसिकली ये दिखाने का पर्पस यही था कि अगर आप ऐसा कोई एक्सपर्ट सर्च कर रहे हैं जिस पे आप फेथ कर सकते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के लिए, और चाह रहे हैं कि कोई ऐसा एक्सपर्ट हो जो आपकी मार्केटिंग पार्ट देख सकता है, तो आप हमें और हमारी टीम के साथ ले सकते हैं एक्सपर्टीज के लिए, ताकि हम आपका जो है उस लेवल पर ले जाएँ जो आप चाह रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि SEO का है, आउटसोर्स कह रहे हैं, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन, तो भी आप हमारी टीम्स की स्किल्स को यूज कर सकते हैं या हम लोगों को हायर कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के लिए मैं ही रन करूँगा, बाकी SEO पार्ट के लिए अदर्स टीम्स हैं, और जो सोशल मीडिया और एडिटिंग पार्ट्स के लिए वो है। तो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन है, जब आपको टाइम मिलेगा एक बार वो सर्विस चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।